दोस्तों स्वागत है आप सभी का कनास फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आया हूँ गोकुल एग्रोनॉमिक्स गोट फार्म पे, और दोस्तों इस गोट फार्म का वीडियो मैंने पहले भी अपने यूट्यूब चैनल पे डाला था, बट अभी थोड़ा सा यहाँ पे नया काम चालू हुआ, फार्म थोड़ा रिन्यू हुआ है, तो हमारे साथ है इस गोट फार्म के ओनर हेमंत माथुर सर, प्रवीण सर और सुनील सर। सर नमस्कार। सर अपना फार्म दिखा दें हमको। जब हम एंट्री करते हैं तो आपको ये एक हमारा ऑफिस दिखाई देगा। ये ऑफिस भी है और एक ट्रेनिंग रूम भी है, यहाँ यहीं पर हम ट्रेनिंग देते हैं। इसके बाद सामने एक शेड है, हमारा पहला शेड है। इसमें अभी आप देख रहे हैं सिरोही नस्ल के जानवर हैं, मेल फीमेल सभी हैं। ये सिरोही का लॉट है, इसमें अभी तकरीबन 35 से 40 एनिमल हैं चारों तरफ इस शेड में। सभी की एज ग्रुप 6 महीने से 8 महीने के बच्चे हैं और ये सेल के लिए अवेलेबल हैं। इसके बाद ये स्टोर रूम है, यहाँ पर हम ये भूसे का स्टॉक करते हैं। अभी ये सामने से कवर्ड है, ये लेबर रूम बना हुआ है, दो रूम्स हैं लेबर के, और ये कुछ देसी मुर्गियां आप देख रहे हैं। इसके बाद हमारा शेड का सेकंड पार्ट है, इसमें जो एक सेक्शन है ये हमारा फीड, एनिमल का फीड जो स्टोर किया जाता है वो है। इसके बाद यहां पर कुछ मेडिसिन्स रहती हैं अलमीरा में, ये इनकी बेसिक मेडिसिन है, सप्लीमेंट्स हैं। इसके बाद हम चलते हैं अंदर, ये हमारा बच्चों का सेक्शन है पहला। अभी रिसेंटली करीब 30 मिनट्स पहले एक डिलीवरी हुई है बर्बरी की, बर्बरी ने किट दिया है। के बाद ये जो सेक्शन है ये बर्बरी का सेक्शन है, ये बर्बरी की गोट्स हैं। ये इसका एक फ्रंट ओपन है, ये आप देख रहे होंगे बर्बरी के किड्स, बर्बरी की फीमेल, ये प्रेग्नेंट फीमेल है, ये भी प्रेग्नेंट है, ये एक छोटा बच्चा है बर्बरी का। पोर्शन है फ्रंट का जिसमें ये बर्बरी नस्ल की बकरियां हैं। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 2 की तरफ, जहां पर ये प्रेग्नेंट फीमेल मिलेंगी आपको। ये देखिए सिरोही की प्रेग्नेंट फीमेल हैं। ये सारा मैक्सिमम इसमें प्रेग्नेंट है, ये जमुनापारी की प्रेग्नेंट फीमेल है। फिर चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, ये देखिए एक प्रेग्नेंट गोट है, इनको उठाइए। एक सोजत की बकरी है, ये भी सोजत है। इस तरीके से यहां मैक्सिमम जो है प्रेग्नेंट बकरियां हैं इस सेक्शन में, ये ब्रीडिंग के हिसाब से हैं, यहीं पे ब्रीडिंग किया हुआ है, यहीं क्रॉस हुई है, यहीं प्रेग्नेंट हुई है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अपना ब्रीडिंग बुल, यहां पर इस सेक्शन में ब्रीडिंग बुल्स हैं। जैसे अभी जो आप देख रहे हैं एक सिरोही का ब्रीडिंग बुल है, ये हमारा ब्रीडिंग के लिए यूज होने वाला मेल है सिरोही, ये आप देख रहे होंगे ये तकरीबन 75 केजी का मेल है। ये आप इसकी
हाइट देख सकते हैं। ये फार्म का फ्रंट व्यू है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी और शेड बन रहे हैं, तो ये फ्रंट एंगल से है, देखेंगे। अभी हम चलते हैं सबसे लास्ट जो हमारा सेक्शन है वो बीटल का है। अभी सारे जानवर अंदर हैं धूप में। ये देखिए फीडिंग ट्रे रखी है इनकी, इसमें इनको दाना देते हैं। ये देखिए ये बीटल का स्टॉक है, प्योर क्वालिटी बीटल, व्हाइट आईज। ये जो मेल देख रहे हैं आप 8 महीने का है, इसका वेट है 41 केजी। एक मेल और भी है, बाकी फीमेल्स हैं। ये एकदम प्योर क्वालिटी ब्रीड है, इन पर आप शाइन भी देख रहे होंगे। बीटल अपना कलर और अपनी शाइन के लिए जाना जाता है। और ईयर साइज देख रहे होंगे कान का जो है लेंथ। देखिए एक ये फार्म का जो है, ये वाला जिस सेक्शन में मैं आपको ले गया, मैं इसको बाहर से दिखाता हूँ। ये लो कॉस्ट शेड हमने एक बनाया हुआ है। इसमें क्या है, ये जो मेन शेड है इसकी वॉल का सपोर्ट लेके हमने एक छत डाली है इस पे। और इसमें आप देखेंगे पीछे देखिए CO3 लग रही है जो इनके चारे के लिए यूज होती है। सभी जगह CO3 लगा के रखी है, इनकी हाइट काफी अच्छी हो जाती है। ये CO3 है। और यहां पर ये देसी मुर्गियों का शेड है, ये भी रखी जाती है। ये भी हम सेल करते हैं और साथ में हमारे फार्म की साफ सफाई का काम इन्हीं से होता है। जितने भी कीड़े हैं ये सब खा जाती हैं। और यहीं पर हैचिंग होती है इनकी नेचुरली, यहीं से चूजे निकलते हैं। जैसे अभी आप इसमें देखेंगे, देखिए कड़कनाथ भी हैं इसमें, ये कड़कनाथ की ब्रीड दिख रही होगी आपको। और ये जो आपको टोकरियां रखी दिख रही हैं इसमें ये हैचिंग करती हैं। ये देखिए ये पूरा व्यू है फार्म का, ये देखिए। और ये फार्म जो है गोकुल एग्रोनॉमिक्स भोपाल में स्थित है, ग्राम बिशनखेड़ी भदभदा रोड भोपाल। आप फार्म विजिट कर सकते हैं, 10 से 5 के बीच का समय है फार्म विजिट का। धन्यवाद दोस्तों।